हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राणा ममता व्लॉग। और आज आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सी प्लेन कुर्ती को कितने डिफरेंट तरीकों से यूज़ किया है। तो आप ये वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। नाउ गाइज, मैंने अपने ब्लैक कुर्ती को बिल्कुल बेसिक सा रखा है, बिल्कुल ब्लैक सलवार लिया है और एक ब्लैक नेट का चुन्नी लिया है। आप इस तरह से भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। नाउ गाइज, दूसरा जो मेरा है उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस मैंने सलवार के जगह लेगिंग्स डाला है। तो आप अपने प्लेन सिंपल कुर्ती को इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हैं। नाउ गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो ब्लैक कुर्ती है लेगिंग्स एज इट इज़ रखा है और यहाँ पे बंदेज प्रिंट वाला दुपट्टा लिया है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप इस तरह का दुपट्टा भी स्टाइल कर सकते हैं अपने ब्लैक कुर्ती के साथ। नाउ गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लेन रेड कलर का दुपट्टा लिया है अपने ब्लैक और कलर की कुर्ती और लेगिंग्स के साथ। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। नाउ यहाँ पे भी मैंने बस अपना दुपट्टा चेंज किया है, यहाँ पे कलरफुल दुपट्टा लिया है, वो भी आजकल बहुत प्यारा लगता है ब्लैक कुर्ती के साथ। आप ये ट्राई कर सकते हैं। नाउ गाइज, आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं अपने ब्लैक कुर्ती के नीचे रेड सलवार और रेड दुपट्टे के साथ, ये अलग ही लुक आएगा इससे। आप इस तरह से भी अपने ब्लैक कुर्ती को स्टाइल कर सकते हैं। नाउ गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे साड़ी को टाइप किया है अपनी कुर्ती के साथ। तो आप इस तरह ब्लाउज के जगह पे कुर्ती भी आप स्टाइल करो, ये बिल्कुल अलग सा लुक आता है। तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती को स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है, जो कि ब्लैक कलर के साथ रेड कलर का स्कर्ट मैंने डाला है। तो आप इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हैं। तो गाइज, इसी तरह से आप इसमें डिफरेंट कलर के स्कर्ट के साथ आप ब्लैक कलर को टाई कर सकते हैं, बिकॉज ब्लैक जो है मोस्ट ऑफ कलर के साथ जाता है। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर के स्कर्ट के साथ इसे स्टाइल किया है। तो देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही डिफरेंट है। नाउ गाइज, आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्रिंटेड स्कर्ट था, उसके साथ मैंने अपने ब्लैक कुर्ती को स्टाइल किया है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से स्कर्ट्स है तो अपने इस कुर्ती के साथ स्टाइल करें, वो बहुत ही प्यारा लगता है। नाउ गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने ब्लैक कुर्ती को स्कर्ट के अंदर डाल दिया है और स्कर्ट को ऊपर से पहना है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो कुर्ती है वो एक टॉप की तरह लग रहा है। तो आप इस तरह से भी अपनी कुर्ती को स्टाइल कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। नाउ गाइज, आप यहाँ पे अपने ब्लैक कुर्ती के ऊपर डेनिम जैकेट स्टाइल करें, ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक आता है इससे और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। नाउ गाइज, आप अपने कुर्ती को मोस्टली आप जीन्स के साथ भी डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने जीन्स के साथ इसे पहना है। नाउ गाइज, यहाँ पे मैंने अपने ब्लैक कुर्ती को गोल्डन कलर के पैंट के साथ स्टाइल किया है और साथ ही में मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का दुपट्टा लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाउ यहाँ पे भी मैंने गोल्डन कलर का सलवार के साथ अपने ब्लैक कुर्ती को स्टाइल किया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से भी अपने कुर्ती को स्टाइल कर सकते हैं। नाउ गाइज, आप अपने ब्लैक कुर्ती को सरग के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, बट मेरे पास वैसा कोई कलर था नहीं, येलो कलर था, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर का लेगिंग्स और उसके साथ ये सरग मैंने डाला है।
जो कि मोस्टली अच्छा ही लग रहा है। नाउ गाइज, हम ब्लैक एंड वाइट की कॉम्बिनेशन को कैसे भूल सकते हैं। सारे कलर यूज़ कर सकते हैं बट ब्लैक एंड वाइट का जो है वो अलग ही है। तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ वाइट दुपट्टा, पजामा, सलवार कुछ भी डाल लें, ये बहुत ही ऑसम लगता है। नाउ गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने अपने ब्लैक कुर्ती को एक जैकेट के साथ स्टाइल किया है जो कि इसके साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गाइज, आप इस तरह से अपने कुर्तीज को स्टाइल कर सकते हैं। तो गाइज, आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए।